हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। तो देखिए, हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉवर्टी की डेफिनेशन पढ़ी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की पॉवर्टी की इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देन वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, यूनाइटेड नेशंस क्या बोलता है, पॉवर्टी को किस तरह से ये देखते हैं उसके बारे में पढ़ा। देन हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी क्या है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली हैं। आज का हमारा मेन कंटेंट है कि कौन कौन सी कमेटीज़ हैं जो कि इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड हैं। तो इसके अंडर चार कमेटीज़ आती हैं, उनके आउटकम्स क्या हैं वो पढ़ेंगे एंड दैट्स इट। तो एक ही पेज का ये वीडियो है, एक ही पेज का कंटेंट इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, राइट। तो बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूव होंगे। चलिए, हम पढ़ रहे हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में गरीबी की जो कैलकुलेशंस का काम है वो किसके पास है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई कुछ टाइम पे, हर एक कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद। तो उनकी क्या रिपोर्ट रही वो हम पढ़ेंगे, बट सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज़रूरी है, दैट पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल्स। इंडिया में जब हम पॉवर्टी को कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें किसके कितनी इनकम है इस हिसाब से नहीं हम कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन कितना खर्च कर पा रहा है, कितना कंज्यूम कर पा रहा है, ठीक है, कितना उसका खर्चा है, कितना उसका एक्सपेंडिचर है, कितनी उसकी कंजप्शन है, ना कि इससे कि कितनी उसकी इनकम है, कितनी उसकी सैलरी है, कितना वो कमाता है, ठीक है। नाउ इसी से रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, उस टॉपिक का, उस छोटे से कंसेप्ट का आज की वीडियो के साथ थोड़ा सा लिंक है। तो ये वाली चीज़ हमने वैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखी है, बट इसको हम हल्का सा एक बार रिवाइज करेंगे। दैट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक। कितनी कैलोरीज को इंसान इनटेक करता है एक दिन में, उस हिसाब से ये जो है पॉवर्टी लाइन इंडिया में डिफाइन की जाती है। जैसे कि मैंने आपको अर्बन एंड रूरल का प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अर्बन यानी कि शहरी इलाकों में अगर एक इंसान 2100 कैलोरीज इनटेक ले रहा है एक दिन में तो वो गरीब नहीं है। वैसे ही ग्रामीण इलाके में अगर कोई 2400 कैलोरीज की इनटेक ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। गाँव में क्यों, ग्रामीण इलाकों में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल टास्क ज़्यादा है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशु पालते हैं, तो उसमें फिजिकल काम होता है। शहरों में क्या है, बैठा बिठाया काम है, कंपनी में जाएंगे, पानी चाय कॉफ़ी सब मिल जाता है, एसी लगा होता है, तो उनको फिजिकल टास्क करना ही नहीं होता, बैठ के कंप्यूटर पे काम करना होता है ना। तो इसलिए शहरों में ये कैलोरी इनटेक कम रखी गई है, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा रखी गई है। अब इसका कंसेप्ट बड़ा ज़्यादा रिलेटेड है आगे वालों से, क्योंकि ये जो डेटा है ना ये इन्हीं कमेटीज़ में से कुछ ने प्रोवाइड करवाया है, तो वो हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए, एक बढ़िया सी मैंने आपको इंट्रोडक्शन, एक भूमिका बांध दी है, ठीक है। ध्यान से आप मेरी वीडियो सुने, ऐसा नहीं सिर्फ नोट्स बनाते रहें, सुने भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं अलग से भी बताती हूँ, है ना, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाती है आपको, राइट। चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कमेटीज़ के बारे में कि पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड पहली कमेटी कब आई, ठीक है। तो वो थी वाई के अलग कमेटी, 1979 में ये बनी थी, पहली कमेटी थी जो इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। नाउ द फर्स्ट ऑफिशियल रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन्स एट द नेशनल लेवल वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1979 में बनी वाई की अलग कमेटी। अब क्वेश्चन आपको किस तरह से आता है पहले वो बताती हूँ। चार कमेटीज़ के ऑप्शन होंगे, इनमें से कौन सी पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं है, तो तीन पॉवर्टी वाली होंगी, एक अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कमेटी डाल दी होगी, या फिर एक कमेटी का नाम दिया है कि कौन से फील्ड से रिलेटेड है, पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, किस से, चार ऑप्शन होंगे। तो कमेटी, हर एक कमेटी, जैसे पॉवर्टी से रिलेटेड कमेटीज़ हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कमेटीज़ हो गई, आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, अंडरस्टैंडिंग तो हमने कुछ एप्लीकेशन तो हमने कुछ इंपोज नहीं करनी है, रटा रटाया काम है ना, तो वो बिल्कुल बेसिक है ना। वाई के अलग कमेटी जब बनी 1979 में, तो पहला ऑफिशियल स्तर पे रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी को जो कैलकुलेट करने का काम था, ठीक है, पहली जो पॉवर्टी लाइन थी नेशनल लेवल पे, वो 1979 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। ऑफिशियल गरीबी को मापने का काम सबसे पहले इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था कि हमारे देश में गरीबी कितनी है, तो इन्होंने ये डेटा सामने लाया था, इन्होंने बोला था कि हम कैलोरी इनटेक के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। नाउ इन्होंने ही अर्बन में 2100 कैलोरीज एंड रूरल में 2400 कैलोरीज फिक्स किया था। सो इवेंचुअली इट डिफाइंड फर्स्ट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इंडिया में पहली पॉवर्टी लाइन वाई के अलग कमेटी के द्वारा डिफाइन की गई थी, और पहला प्रॉपर एस्टिमेशन हिस्टोरिकली किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है।
नेक्स्ट आती है हमारी डीटी लक्कड़वाला कमेटी। ये बनी थी 1993 में, पॉवर्टी कैलकुलेशन से ही रिलेटेड थी, तो इन्होंने भी सेम इसी चीज़ को फॉलो किया था, थोड़ा एक्सपेंड किया था। इनके बारे में ज़्यादा ऐसे कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, तो हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है टू द पॉइंट ही मैं पढ़ाती हूँ, फैक्चुअल पॉइंट से पढ़ाती हूँ, है ना। तो दो कमेटीज हो गई हमारी, थर्ड कमेटी आती है तेंदुलकर कमेटी, और यू कैन से सुरेश तेंदुलकर कमेटी। अब इस कमेटी का क्या आउटकम थी, क्या रिपोर्ट थी, वो हम पढ़ेंगे। सो करंट एस्टिमेशंस ऑफ पॉवर्टी आर बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ सुरेश तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट। समझ रहे हैं, जो करंट हम फॉलो करते हैं ना पॉवर्टी लाइन या जो भी एस्टिमेशंस, वो सुरेश तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट की आउटकम है, इनकी रिपोर्ट है। अब देखिए, इन्होंने बेस चेंज कर दिया। पहले हम जो कैलोरी वाला मॉडल है, दो में हम ये कैलोरी इनटेक वाला मॉडल फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये तीसरी कमेटी, इन्होंने बेसिस चेंज कर दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, कि कौन कितना खर्चा कर रहा है, रह रहा है, सिर्फ खाएगा थोड़ी, वो रहेगा भी तो किराया भी देगा, बिजली पानी का बिल भी देगा, आएगा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इन्होंने बेसिस बना दिया पॉवर्टी को कैलकुलेट करने का। अर्लियर क्या था, कैलोरी इनटेक मॉडल, वो इन्होंने खारिज कर दिया कि अब नहीं ऐसा होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्होंने जो है नया स्टार्ट कर दिया बेसिस। अब इनके हिसाब से 21.9%, जैसे कि आप 22% बोल सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इनके हिसाब से 22% पॉपुलेशन जो है इंडिया की गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी है इस हिसाब से। तो नाउ अब इन्होंने एक नई चीज़ निकाली, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन पर डे कितना खर्च करता है। शहरों में अगर एक इंसान एक दिन में 33 रुपये खर्च कर रहा है, आने जाने में, खाने में, जिस भी चीज़ में, कपड़ों में, जिस भी चीज़ में, ऑन एन एवरेज, एंड ग्रामीण इलाके में कोई 27 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। इससे कम कर रहा है, 33 की जगह 32 कर रहा है, 32.5 कर रहा है, तो वो गरीब है, इतने में वो गरीब नहीं है, ठीक है। ये थी तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग या लिविंग जो है हमारे रहने का जो स्टाइल है, उसकी कॉस्ट, उसके खर्चे को किसने बेसिस बनाया, तेंदुलकर कमेटी ने, जो कि 2005 में आई थी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। अब आ गई हमारी लास्ट कमेटी, जो कि है सी रंगराजन कमेटी, जो कि बनी थी जून 2014 में। इन्होंने भी फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग को ही फॉलो किया, जो ये कैलोरी इनटेक मॉडल था ये खारिज ही हो गया पूरी तरह से, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। नाउ लास्ट कमेटी है पॉवर्टी से रिलेटेड, जो कि है सी रंगराजन कमेटी, जून 2014 में ये बनी थी। इन्होंने भी कॉस्ट ऑफ लिविंग को फॉलो किया, और इन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में, अब देखिए 2014 में आई, 2005 की बात है, तो यहाँ पे कॉस्ट भी तो बड़ी, महंगाई भी तो हुई ना। तो ग्रामीण इलाके में जो दिन में एक इंसान 32 रुपये अगर खर्च कर लेता है, और शहरी इलाकों में 47 रुपये खर्च कर लेता है, तो वो गरीब नहीं है। इससे कम खर्च करता है तो हाँ वो गरीब है। प्लस पॉवर्टी इन्होंने बोला कि हमारे देश में 29.5%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 30% गरीबी है। तो देखिए 2005 से 2014 तक गरीबी बढ़ी, घटी नहीं, बढ़ी, है ना। तो 30% इन्होंने जो है डिक्लेयर किया कि लोग जो है गरीब है इंडिया में, ठीक है। अब ये लास्ट कंटेंट है हमारा आज का। एज पर RBI रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है 2015 में रिपोर्ट जो है रिलीज की थी, उसके बाद से ऐसे मुझे कोई डेटा मिला नहीं, तो मैंने वही पुराना जो डेटा मेरे पास था वो रखा है। आपको कुछ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज ये सेंसस के हिसाब से आता है, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे कम गरीबी है, लीस्ट पॉवर्टी वाली स्टेट कौन सी है, गोवा। कितनी गरीबी है, 5.09%। एंड मोस्ट पॉवर्टी, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, कितनी, 39.93%, ठीक है। अब देखिए, हमें आज के वीडियो में इतना ही पढ़ना था। हम पॉवर्टी पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग एंड कॉजेज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया हमने इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट में हमें पढ़ना है जो पॉवर्टी को मेजर करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, तो चार पार्ट इसके बन जाएंगे। देखते हैं, कुछ और टॉपिक मुझे पॉवर्टी से रिलेटेड मिलता है तो वो भी मैं इंक्लूड करूंगी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट हुआ कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।